गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है और मॉर्निंग की शुरुआत हुई है आज सनराइज़ के साथ। तो यहाँ पर देख सकते हैं इतना प्यारा सन निकला हुआ था, सोचा आपको भी दिखा दूँ और आप भी एक बार सूर्य नमस्कार कर लीजिए। तो यहाँ पे हूँ मैं मेट्रो स्टेशन पे और आप देख रहे हैं यहीं पे जस्ट पार्क्स में ही एक पार्क है। पार्क में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, वो भी दिखाती हूँ। बट चलिए आगे चलते हैं और करते हैं आज ब्लॉग की शुरुआत। और यहाँ पर मैं हूँ IP एक्सटेंशन के मेट्रो स्टेशन पर। तो यहाँ पर मैं कहाँ जा रही हूँ आपको सबको पता है, कहाँ जा रही हूँ, स्कूल जा रही हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, मैंने आपको लास्ट मतलब 2-3 वीडियोस पहले दिखाया था कि ये पार्क बिल्कुल पानी से लबालब भरा हुआ था थोड़ा सा आगे जाके। बट जो यहाँ वाला पार्क है, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं फुटबॉल, तो बहुत सुंदर लग रहे थे, कलरफुल बच्चे देखने में, मतलब कलरफुल उनकी ड्रेस देखने में। तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। और ये है बाहर का व्यू और चलिए चलते हैं हम अपने डेस्टिनी की तरफ। तो हमारी डेस्टिनी हमारा वेट करिए और उसके बाद जाएंगे हम ऊपर मेट्रो के लिए। मेट्रो हमें मिलेगी कहाँ के लिए, मौजपुर के लिए। तो चलिए चलते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे मुझे कुछ आर्मी के जवान भी मिल गए थे, बट हाँ मैंने उनकी तरफ कैमरा नहीं किया बिकॉज हो सकता है ऑब्जेक्शन उठा ले कोई। तो लिफ्ट के पास पहुँच गए, लिफ्ट का बटन कर दिया है क्लिक और वेट कर रहे हैं हम अपनी लिफ्ट आने का। तो चलिए करते हैं वेट और चलिए, और साथ में दिखा देती हूँ यहाँ का ब्यूटीफुल सा नज़ारा आपको और स्टेशन का, और सुंदर लग रहा है ना। यहाँ पे ही बहुत टाइम पहले ना एक मैंने क्लाउड दिखाए थे आपको, तो सच में इतने सुंदर लग रहे थे जैसे जैसे लग रहा था हम किसी और कंट्री में हो। तो ये है एंट्रेंस और यहाँ से मिलेगी हमें टिकट्स वगैरह। टिकट्स तो नहीं, हम तो अपना कार्ड यूज़ करते हैं, तो कार्ड को रिचार्ज कराना हो तो यहीं से मिलता है। तो पहुँच गए हम स्कूल। अब स्कूल आज की क्या था, आज था राइटिंग कॉम्पिटिशन। तो मैंने ये स्टोरी लिखी थी बोर्ड के ऊपर और यही देख के लिखनी थी बच्चों को अपनी अपनी। जैसे कि मैंने बताया था राइटिंग कॉम्पिटिशन है और बच्चे कर रहे हैं राइटिंग शुरू और शुरू कर चुके हैं। तो देन उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं और देखते हैं उनका क्या क्या रिस्पॉन्स आता है राइटिंग को लेकर। लिखो स्टोरी, देख के लिखनी है, सुंदर सुंदर लिखना। भैया थोड़ा सही लिखो, छोटा छोटा लिखो, इतना बड़ा बड़ा काहे लिख रहे हो। बहुत अच्छा लिख रहे हो। स्टार्टेड बेबी व्हाट हैपेंड, इसको ऊपर करो, अब लिखना स्टार्ट करो, करो करो करो, डेकोरेट नहीं करना। फर्स्ट पेज चेक होगा। निव्या करो बेटा, बहुत अच्छा लिख रहे हो, लेकिन कर्सिव में लिखना है, देख के लिखना, इसलिए मैंने लिख के दिया है। बाबू देख के लिखना है, मैंने इसलिए लिख के दिया, अदरवाइज मैं शीट दे सकती थी आपको कोई भी, या बुक दे सकती थी, है ना भैया, बुक दे सकती थी ना मैं। राइटिंग कैसी है? अच्छा लिख रहे हो, वेरी गुड। पेंसिल को शार्प कर लो थोड़ा सा, ब्लंट पेंसिल से लिखोगे डाक डाक आएगी, रब करने में प्रॉब्लम होगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी गुड। ये बच्चा भी सुंदर लिख रहा है। मीनाक्षी मैम के पास जाएंगी वीडियो? हाँ जी, नोटबुक पड़ी है उसमें भी देख लो। बातें की आवाज किधर से आ रही है? इधर से ना, ये गांधी जी के 3 बंदर बैठे हुए हैं। चुपचाप से काम करो अपना, साइड प्लीज। एक बात तो, राइटिंग कंपटीशन करके मजा आया? सबको मजा आया?
था? किसकी राइटिंग अच्छी थी? देखो सबकी राइटिंग अच्छी थी। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आने वाला सबको पता है? हाँ चलो वो तो देखेंगे। वाओ इट्स ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लिखा बेटा आपने। हाँ जी मिस हो गया दी, कल भी थर्ड के लिए रखनी है। रखी रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ तो फिर रख दो। तो एटलीस्ट हमारा यहाँ पे कंपटीशन समाप्त हो गया और बच्चों की सभी के बच्चों की शीट्स मेरे पास आ चुकी हैं। बच्चों ने बहुत अच्छे एफर्ट लगाए इस, और जो ये कंपटीशन था ये था सेकंड ए और सेकंड बी का। तो कल जो कंपटीशन होगा वो थर्ड ए थर्ड बी का होगा, तो आप उसको भी देखिएगा ज़रूर। इस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। तो गाइस यहाँ पे मैं एक चीज़ शेयर करने वाली थी आपसे। एक्चुअली क्या था कि मैंने बहुत सारे बड़े बड़े स्कूल्स देखे जिसमें राइटिंग के लिए कोई एफर्ट नहीं लगाया जाता, बट यहाँ पे जो हमारा स्कूल है इतना पेन लेता है बच्चों की राइटिंग के लिए, बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए, पूरा स्टाफ पूरा जो मैनेजमेंट है वो सारा का सारा इतना पेन लेता है। तो राइटिंग के लिए उन्होंने टीचर प्रोवाइड कर रखी है और बच्चों से बिल्कुल बिना चार्ज के उनको राइटिंग की क्लास दी जाती है यहाँ पर। और बाहर निकली थी तो मैंने बोर्ड देखा जिसमें आज जो राइटिंग कंपटीशन था उस सेकंड क्लास का, तो वो लिखा हुआ था। अच्छा लगा, सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, अगर नहीं किया तो कर चुके हैं तो शेयर ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच ऑल, थैंक यू।